मेयर कराची वसीम अख्तर ने दावा तो किया था कि शहर को कचरे से पाक करने का, लेकिन वही ढाक के तीन पात शहर से कचरा तो उठा नहीं, लेकिन वसाइल और इख्तियारात का रोना जारी है। हामिद रहमान रिपोर्ट कर रहे हैं। मेयर कराची की ऐलान करदा 100 रोजा सफाई मुहिम आज खत्म हो रही है, लेकिन कचरा उठा न शहर साफ हुआ। जो कचरा ब्यूरोक्रेसी न उठा सकी वो मुंतखब क्यादत के लिए भी किसी इम्तिहान से कम नहीं। फुटपाथ हो या गली मोहल्ले, स्कूल और अस्पताल भी कचरे से महफूज न रह सके। सुबह जब शिफ्ट लगती है उनकी स्कूल की, तो बेचारे जो इतना परेशान होते हैं, बच्चे उनके पीछे कुत्ते भागते हैं। ये सब धुएं से बच्चों के बीमार पड़ना है समझा। अभी भी छोटे बच्चे को मैं जो है ना डॉक्टर के लेके जा रहा हूँ। शहरियों का कहना है कि जगह जगह कचरे के ढेर, ट्रैफिक जाम, तापफोन और बीमारियों का सबब बन रहे हैं। सियासी जमातों की इख्तियारात की जंग से सिर्फ शहरी मुतासर हो रहे हैं। धुआं कहाँ जा रहा है, घरों में जा रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं लोगों का, चेयरमैन साहब का पता ही नहीं कहाँ होते हैं। बल्दियाती क्यादत से नाउमीद शहरी कचरे को आग लगाकर इसे खत्म करने का इंतजाम करते हैं, जिसका धुआं शहरियों की सेहत के लिए इंतहाई मुज़िर है।